नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक तरफ गणेश जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है तो दूसरी तरफ कलंकित चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश जी तो विघ्नहर्ता कहलाते हैं, तो फिर किस कलंक की बात की जा रही है? इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं कलंक की चतुर्थी से जुड़ी कथा के बारे में। असल में इस चतुर्थी पर चांद को देखना वर्जित है। माना जाता यह है कि जिसने इस दिन चांद को देख लिया तो फिर उस पर झूठा कलंक लगता है। इस कलंक से न तो देश बच पाए न ही मनुष्य। स्वयं भगवान कृष्ण को भी इस कलंक का सामना करना पड़ा था और उन पर झूठा चोरी का आरोप लगा था। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं, ये गणेश जी का मुख हाथी का है। उनका ऐसा चेहरा देख चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। एक दिन चंद्रमा ने गणेश जी के मुख को देखकर अस्पष्ट शब्द बोले और क्रोध में आकर गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि चंद्र की सुंदरता घट जाए। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने फिर उस पर रहम कर कहा कि आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारे दर्शन करेगा तो उस पर झूठा आरोप लगेगा, इसलिए भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। इस कारण से एक बार श्री कृष्ण पर भी चोरी का आरोप लगा था, क्योंकि उन्होंने चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन किया था। आइए इस कथा को जानते हैं। द्वापर युग में शस्त्राजीत ने तप कर सूर्य देव को प्रसन्न किया और श्यमतक नाम की मणि प्राप्त की। इस मणि की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह रोज 1 किलो सोना देती थी और इससे राज्य में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को यह मणि प्रदान करने की बात सोची, परंतु शस्त्राजीत इस बात को जान जाता है, इस कारण वह मणि अपने भाई परसेन को दे देता है। एक दिन परसेन शिकार करने जंगल में गए। शिकार के वक्त शेर ने परसेन को मार दिया और मणि शेर के मुंह में रह गई। जामवंत ने शेर को मार कर मणि ले ली। राज्य में ये बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण ने ही मणि को चोरी किया है और इस कारण से उन्होंने परसेन को भी मार दिया है। इस आरोप से मुक्त होने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान जंगल जाते हैं। वहाँ भालू के पैरों के निशान देखते हैं वो। फिर जब उन्हें पता चलता है, फिर वो जामवंत से युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण राम रूप में जामवंत को दर्शन देते हैं और फिर मणि वापस लेकर लौटते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था, इसलिए इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहते हैं और इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध है। जो कोई भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है उसको कलंक लग जाता है, उसका आरोप लगने की आशंका होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।